तो मीटिंग आपकी हुई है, क्या रहा और क्या डिसाइड किया है, थोड़ा तो बताएं। आदरणीय मंत्री जी से आज राजा नहर सिंह की प्रतिमा लगाने के बारे में चर्चा हुई थी, विस्तृत रूप से चर्चा हुई और सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ पे सहमति बनी है कि वे महाराजा नहर सिंह की जो प्रतिमा है वो जो वहाँ पे महल है उसके अंदर लगाई जाएगी और मंत्री जी ने इसका पूरा आश्वासन दिया है और उसको लगाने में जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी उनका सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा। तो आगे क्या प्रोग्राम रहेगा मूर्ति के बारे में, लगाने के बारे में कोई शेड्यूल बनाया है? किस किस तरह शेड्यूल बन चुका है? अच्छा। मूर्ति बन के तैयार हो चुकी है जी। अभी क्योंकि वो 9 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है जी, अभी 9 जनवरी को ही उसका प्रतिमा का अनावरण करने का प्रोग्राम है और इसकी जो विस्तृत जानकारी वो बाद में आप तक पहुंचा दी गई जी। तो इस बारे में कुछ संदेश आप देना चाहें फरीदाबाद की जनमानस को कि 9 जनवरी को आए उसमें मिलें, शामिल हों या कोई और? इस बल्लभगढ़ की जो नगरी है इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा और अपनी विरासत को दोबारा से जिंदा करने के लिए हम चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे क्षेत्र से, क्या दूर दूर तक, हम तो पूरे हरियाणा में इसका वो निमंत्रण भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से इसका अनावरण किया जाए। तो ये हैं कर्नल महेंद्र बीसला जी, अपने जाट समाज से और समाज सेवक हैं, समाज की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं और मिले हैं अभी ये सारे लोग, अभी हज़ारों की संख्या में मंत्री जी से मिले हैं और ये 9 जनवरी को ये शहीदी दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्षता में आज हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद जी, इनसे मुलाकात हुई और जो हमने इनसे डिमांड रखी थी कि राजा नहर सिंह की मूर्ति हमारे शहर बल्लभगढ़ के अंदर महल में लगाई जाए उसको उन्होंने शहर स्वीकार कर लिया है और उन्होंने ये अपनी तरफ से ये कहा है कि उसका जो नीचे पेडेस्टल है वो मैं तैयार करवा के आपको दूंगा, आप मूर्ति उस पर लगवाएंगे। मेरा हर तरीके का सहयोग आपके साथ है। इस बात से हमारे समाज के अंदर हमारे जितने भी जो हमारी संस्था है हमें इस बात की बहुत खुशी है कि मंत्री जी ने हमारा साथ दिया, हमें आगे तक हमारा साथ देने का वादा है। प्रधान जी आगे क्या शेड्यूल रहेगा इस बारे में, क्या प्रोग्राम है? अभी आगे इसके लिए परमिशन लेनी है हमें इनसे, नगर निगम से भी, इनसे भी, मंत्री जो भी जागे हैं इसका जो नक्शा है वो पास करवाना पड़ेगा, सारी चीज़ें मतलब काफ़ी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी पड़ेगी जी जी। बाकी तो अभी फाइनल हो गए सबकी सहमति से, वहीं मूर्ति लगाने के लिए राजा नहर सिंह के महल में, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं जी। तो कब का प्रोग्राम है मूर्ति लगाने का? कोई 9 जनवरी 2023 को बलिदान दिवस है, जिस दिन राजा नहर सिंह का उसी दिन लगाएंगे, उसी दिन लगाई जाएगी, उसी दिन अनावरण करेंगे, लग तो पहले जाएगी, अनावरण उसी दिन होगा 9 जनवरी जी जी जी। तो लोगों को कोई संदेश देना चाहे फरीदाबाद के लोगों को इस बारे में कि 9 जनवरी को आना या पहले कोई और मीटिंग, कोई बात या इस तरह का कुछ कोई संदेश आप देना चाहें? मैं पूरे बल्लभगढ़ क्षेत्र से, पूरे फरीदाबाद से सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आश्वासन चाहता हूँ कि वो सारा हर आदमी अपना सहयोग करें इसके अंदर, आने तन मन धन से आने का भी सहयोग करें और जो भी है, जो अपनी कुछ भी अपनी श्रद्धा से जो भी कुछ हमारी मदद करना चाहे उसके लिए सबका लिए सहयोग की हमें आवश्यकता है। तो प्रधान जी कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कोई ऐसा कोई व्हाट्सएप नंबर या फ़ोन नंबर या लैंडलाइन नंबर, कोई कॉन्टैक्ट या ईमेल कुछ देना चाहेंगे लोगों को? मान लीजिए वीडियो लोग देखते हैं और आपसे संपर्क करना चाहते हैं
तो किस तरह संपर्क करें, कुछ ऐसा कोई देना चाहेंगे क्या? नहीं, आज हमारे संस्था के नाम से अभी हमने वो बनाई दी है, इसका जो ना इसका यूट्यूब पे भी लाइव डाल दिया है, और इसका जो है प्रोग्राम जो भी होगा वो सारा उसके ऊपर आ जाएगा, उसके जो बातें होंगी उसमें आ सकते हैं। जी जी, चलो आपको बहुत बधाई।